टू टू बी सिक्स। कौन कौन से सेल एड्रेसेस हैं इस रेंज में? बी टू, बी थ्री, बी फोर, बी फाइव, बी सिक्स। बी टू से स्टार्ट होएगा ना, स्टार्ट ही वहां से होना। जब आपका फॉर्मूला लगाते हो तो जिस सेल एड्रेस से स्टार्ट करना है आप वो सेल एड्रेस देते हैं ना पहले। ठीक है, सपोज आई एम गिविंग वन मोर रेंज, सेम क्वेश्चन, नेम द सेल एड्रेसेस और रेफरेंसेस इन द रेंज ए वन बी फाइव। क्या क्या आएगा? ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर, ए फाइव, करेक्ट। बी फाइव तक है, ठीक है, डन। नाउ राइट डाउन द सेकेंड क्वेश्चन क्विकली, हमने अभी बुक में से भी करना है, जल्दी जल्दी करना है। नहीं जी, अभी एक और है कैलसी के बाद। हाउ मेनी सेल्स आर देयर इन गिवन रेंज? हाउ मेनी सेल्स आर देयर इन गिवन रेंज? चेक करो। डी फाइव, डी सिक्स, डी सेवन, डी एट, डी नाइन, डी टेन, डी इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन। चेक करो फिर आंसर दो, ठीक है। बिल्कुल करना है। डी फाइव से डी थर्टीन तक है तो काउंट करो ना। डी फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन। काउंट कर लो, तसल्ली से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से करो, करेक्ट आंसर होना चाहिए बस, ठीक है। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट विल बी द सेल एड्रेस, व्हाट विल बी द सेल एड्रेस ऑफ फिफ्थ रो एंड एट्थ कॉलम? व्हाट विल बी द सेल एड्रेस ऑफ फिफ्थ रो एट्थ कॉलम? एच फाइव। कॉलम कैलकुलेट कर लो, ए बी सी डी ई एफ जी एच, एट आ गया, एट्थ कॉलम एच, ठीक है। रो ऑलरेडी दी हुई है फाइव, तो सेल एड्रेस विल बी एच फाइव। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस क्लियर है? यस मैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन। व्हाट विल बी द सेल एड्रेस ऑफ फिफ्टींथ रो 22nd कॉलम? 15th रो 22nd कॉलम, काउंट कर लो पहले 22nd तक कौन सा अल्फाबेट आ रहा है, नहीं तो आप लिख के देख लो, चाहे गलती नहीं होनी चाहिए, बिकॉज दीज आर द एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, इसमें गलती होने का चांस नहीं है। अगर आप गलती सिर्फ तुक्का लगा के V15, V15, ठीक है,
इजीली आराम से पहले कैलकुलेट करो, काउंट करो. सिर्फ अभी 20 सेकंड पे हो, अगर मैं 50th दूंगी फिर आएगा. ठीक है, अगर मैंने 50th कॉलम दे दिया फिर आपका Z के बाद A A A B A C स्टार्ट होता है, फिर आप 50th तक काउंट करोगे. डबल A A A A B A C, A के साथ पूरा A B A to Z, A to Z A Z तक, उसके बाद B A B B B C B D. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? रो नंबर यू विल गेट इन द क्वेश्चन, कॉलम यू हैव टू कैलकुलेट. Nice. Okay, then one more question. What will be the range formed by seventh row, ninth column, and tenth row, tenth column? Same row आएगी. Sorry, seventh row, tenth column. रो सेम दिए मैं. ठीक है, काउंट करो. ठीक है, आई सेवन टू जे सेवन. यानी अगर एक ही क्वेश्चन में दो आ रहे हैं तो आपको दोनों कैलकुलेट करके, वन इज द स्टार्टिंग रेंज, सेकंड विल बी द एंडिंग सैलरी रेंज, रेंज फाइंड आउट करेंगे. ठीक है जी, ओके. सॉल्व द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. सॉल्व द फॉलोइंग एक्सप्रेशन और व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन. हाँ जी, बॉड मास लगाना है. मैंने कैलकुलेट नंबर लिखे हैं अभी बाजी. ठीक है, वाईफाई इन्वर्टर पे कर दो. डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, व्हेन सेम रेंज सेम लेवल है तो आप नहीं, नाले इन्वर्टर भी इन्वर्टर पे करवाओ भाई. ठीक है, सबसे पहले क्या होएगा, 15 डिवाइडेड बाय 3 कितना आएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 10. ठीक है, 15 माइनस 10 5. हाँ चलो, बॉड मास लगाओ पहले. ठीक है, पहले डिवीजन मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन. बेटा पेपर में जब क्वेश्चन आया आपका एक भी नंबर पॉइंट गलत हो गया ना तो आंसर गलत है. ये नहीं कि 15 5 की जगह मैंने 4 लिखा था, मैम एक ही डिजिट गलत हुआ, नंबर आधे दे दो, वो नहीं मिलेंगे. ठीक है, आई एम जस्ट टेलिंग यू द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस. ठीक है, बाकी एग्जांपल्स और बहुत सारी हो सकती हैं, दैट वी कैन डू इन फर्दर क्लासेस आल्सो. प्रेजेंटली वी विल रिवाइज अ बुक फ्रॉम टॉपिक फ्रॉम बुक आल्सो. वन मोर क्वेश्चन. एक्सप्रेशन वाले बेटा नंबर्स बड़े भी हो सकते हैं, मैंने अभी स्मॉल नंबर्स लिए हैं. ठीक है, सो वेरी केयरफुली डू द कैलकुलेशंस.
आप डिफरेंट एक्सप्रेशंस एक्सेल में डाल के चेक कर सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। अपनी तरफ से एक्सप्रेशंस बनाओ, एक्सेल में डालो, आंसर चेक करो क्या आ रहा है, फिर आप मैन्युअली कैलकुलेट करके देखो क्या वाकई वही आ रहा है। डिफरेंट ऑपरेटर्स यूज करो सेम एक्सप्रेशन में, जैसे मैंने अभी यूज किए, सारे ऑपरेटर्स यूज करो, एक्सप्रेशन बनाओ। एक्सेल सबके पास, कैलसी सबके पास है घर पे, ठीक है। जैसे ये एक एक्सप्रेशन बनाया, वैसे ही और तीन चार एक्सप्रेशंस बनाओ, उसका आंसर चेक करो, खुद मैन्युअली कैलकुलेट करो, चेक करो सेम आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो फाइंड आउट व्हाट इज द मिस्टेक टू प्रैक्टिस दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। ओके, नाउ मेक अ वर्कशीट। I'm just using numbers presently. I'm not using any text value, roll number, name or anything else. Because we are supposed to use the functions. Now write down the questions. Write down the पहले क्वेश्चन सारे लिख लेना, आफ्टर दैट वी विल डू द राइट द आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट फंक्शंस फॉर फॉलोइंग, राइट फंक्शंस फॉर फॉलोइंग। नंबर वन, to calculate the total of, to calculate the total of range, to calculate the total of cells, total of cells, the total of cells, C3 to D6, C3 to D6, to calculate the total of cells, C3 to D6, क्या function बनेगा? मैंने अभी function पूछा, write the function for following, is equal to sum, ब्रैकेट C3 colon D6। एक्सक्यूज मैम। यस बेटा। मैम जब भी हम फंक्शन लगाएंगे C3 टू D6 के सम का, तो मैम वो वैल्यू C3 से जो नीचे है 2+1+15 हो गए या 2+7 होगा? हाँ, ये सारे टोटल होंगे C3 से लेके D6 तक, ये सब टोटल हो जाएगा दोनों कॉलम, ठीक है। आ रहे सब क्वेश्चन, आ रहे सब, आ रहे नहीं बेटा, C3 टू D6 है ना, तो जब हम सेलेक्ट भी करते हो तो माउस के साथ जब ड्रैग करोगे तो इतने ही सेलेक्ट होएगा,
रेंज कंटिन्यूअस सेल्स, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट. टू कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, टू कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, टू कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, E1 to E6. प्रोडक्ट ऊपर क्वेश्चन मैंने पहले मैंने मेन क्या दिया, राइट द फंक्शंस फॉर फॉलोइंग, दैट मींस हाँ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ब्रैकेट E6, ठीक है. हाँ E1 colon E6. हाँ जी हनूर समझ आ रहा है, नोट कहाँ हो रहा है, नोट कहाँ हो रहा है, नहीं वहां तो आ गया, आपके पास कहाँ नोट है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली, राइट द फंक्शन ऊपर दिया हुआ है फॉर फॉलोइंग, टू कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर, टू कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर फ्रॉम ए थ्री ओके इज इक्वल टू मैक्स A3 colon E3. हाँ to calculate the maximum of number from A3 to E3. Next, to count the number of cells in range A4 to B6 is equal to count A4 colon B6. हाँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट टिल नाउ, इज इक्वल टू काउंट A4 colon B6. Count function to count the number of cells. Number of cells नहीं होता वैसे, to count the numeric values in a cell. ठीक है, number of cells having the numeric value. अगर मैंने इस range में किसी cell में text value होगी तो वो count नहीं करेगा. ठीक है, it is used to count the numeric values in a number of cells having numeric values. ठीक है, ओके. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी, फंक्शन इज गिवन, राइट द आउटपुट ऑफ दिस फंक्शन बेस्ड ऑन दिस गिवन शीट. ठीक है, नाउ दिस फंक्शन इज गिवन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस, इज इक्वल टू A3 to BE3, मैक्स फाइंड आउट करना है 19, द आउटपुट विल बी 19, आंसर विल बी 19. Is equal to sum C3 to D6 output. What will be the output of this function? C3 to D6, yani C3 yahan se leke D6. Count karo, 5 plus 1, 6, 15, beta 16 plus 15, 21, 21 plus 4, 25, 25 plus 2. 20. ठीक है, नहीं कोई कंपलसरी नहीं है. हाँ सी ऊपर वाले आएंगे भी नहीं.
अच्छा सी थ्री, ये दो रह गए, कैलकुलेट ऑल। पहले मैम 46 18 प्लस 10 28 प्लस 7 35 प्लस 40 44 46 ठीक है। लक्ष्य नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द आउटपुट ऑफ दिस फंक्शन। वन ठीक है। Write the output. A 4 2, B 6. A 4 2, B 6. 6. ठीक है। A 4, A 5, A 6, B 4, B 5, B 6. 6. Clear है? Yes, ma'am. Type of question clear है? Now open your books. Now in the book we had already done the components, status bar, menu bar, entering data. ठीक है, we had already done that topic. Type of data भी हम कर चुके हैं, number, text and formula. Three types of data we had already discussed. ठीक है, then keys we had, note में आपको keys दी हुई हैं. Control plus enter. ठीक है, enter to move to the next cell, next row. Tab to move to the next column. Shift plus tab to move to the previous column. कंट्रोल प्लस एंटर किस लिए है? शिफ्ट प्लस एंटर है, वो शिफ्ट प्लस एंटर है। हां जी, पेज नंबर इज बेटा 234। ओके, नेक्स्ट इज यूजिंग ऑपरेटर्स एंड फंक्शंस। ऑपरेटर्स व्हेन वी यूज अ पुट अप फॉर्मूला Like is equal to a one plus b one, ये क्या हो गया? नहीं, ऐसे नहीं बेटा। a one plus b one plus c one, अगर हम ऑपरेटर्स यूज करके कैलकुलेशन लगा रहे हैं, दैट इज योर फॉर्मूला। एंड व्हेन वी आर यूजिंग द इनबिल्ट फंक्शंस टू परफॉर्म द कैलकुलेशंस, दैट इज योर फंक्शंस। ठीक है, you will read these pages, I'm telling you. बता रही हूँ। Next is three types of references. ये Excel में हमने already की हुई हैं. Three types of cell references. कौन-कौन सी होती हैं? Relative, absolute, mixed. Okay, what is relative reference? नहीं, जितना टॉपिक अभी कवर होगा। हाँ जी, रिलेटिव रेफरेंस क्या होती है? द रेसेल रेफरेंस विच गेट्स चेंज्ड व्हेन वी कॉपी और फॉर्मूला, कॉपी द फॉर्मूला। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे फॉर्मूला दिया है इज इक्वल टू ए वन प्लस बी वन, ये मेरा सी कॉलम में है। ठीक है, सी कॉलम में मैंने फॉर्मूला लगाया ए वन प्लस बी वन। When I drag it, that means I'm copying it. So अपने आप आपका क्या होता है? Is equal to a two plus b two. अपने आप change होता है? That is called relative reference. In which when we copy the formula, अब जरूरी नहीं है मैंने drag करके same column में लेना है, यहाँ same row में drag करना है। It's not compulsory. मैं अगर यहाँ से copy करके किसी randomly किसी और cell में paste कर देती हूँ, it will automatically change the cell address. मैंने जाके कहीं P3 में जाके कॉपी कर दिया, तो उसके पहले वाले दो कॉलम्स का प्लस करेगा। ठीक है, दैट इज रिलेटिव रेफरेंस इन विच द सेल एड्रेस इज ऑटोमेटिकली चेंज्ड व्हेन वी कॉपी द फॉर्मूला। ठीक है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस मींस इन विच व्हेन नेवर वी कॉपी द फॉर्मूला बट सेल रेफरेंस डज नॉट चेंज। सेल रेफरेंस does not change,
Why we need that? जब हमें सपोज सबकी सेल्स मैंने टोटल कैलकुलेट कर ली, सबको मैंने 20% कमीशन देना, ठीक है? कमीशन आई हैड ऑलरेडी रिटन इन वन सेल, एंड व्हेन आई पुट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द कमीशन, तो एक सेल तो रिलेटिव हो गया जिसमें से सेल्स ले रहे हैं, राइट? सपोज B1 में B5 में आपकी सेल्स टोटल आ गई, मल्टीप्लाई करना है मुझे वो सेल जिसमें हमारे पास कमीशन दी हुई है. तो व्हेन आई कॉपी द फॉर्मूला आई वांट कि टोटल सेल्स वाला फॉर्मूला तो कॉपी हो, चेंज हो, बट कमीशन वाला सेम रहे. तो फॉर दैट पर्पस व्हाट वी विल डू, डॉलर ए डॉलर फाइव, जिस सेल को भी आपने फिक्स रखना है, डॉलर विल फिक्स द कॉलम नेम एंड रो नंबर, दोनों के साथ डॉलर लगेगा. इट विल गिव अस द एब्सोल्यूट सेल एड्रेस, एंड व्हेन वी कॉपी द फॉर्मूला A5, जितने मर्जी सेल्स में कॉपी करते जाओ, हर सेल में A5 ही आएगा, वैल्यू भी सेम आएगी. अब अगर A5 की वैल्यू 20 है तो सेम आएगी. अब इसका फायदा क्या, हम सीधा मल्टीप्लाई बाय 20 भी तो कर सकते थे, बता तो रही हूँ. कमीशन जैसे मैंने देनी है, डिस्काउंट देना है 20%, ठीक है? तो वहां पे काम आएगा. आपको एक सेल में मैंने 20 एंटर कर दिया, यूज द सेल एड्रेस ऑफ दैट. एंड व्हेन वी ड्रैग द फॉर्मूला, कॉपी करते हैं बाकी रोज के लिए, तो बाकी सेल चेंज होएगा बट वो सेल फिक्स रहेगा, सेम वैल्यू लेगा हर सेल में कैलकुलेशन में, ठीक है? अब मैंने सीधा 20 लिखने की बजाय सेल रेफरेंस क्यों यूज किया? अगर बाय चांस मैंने कमीशन चेंज कर दी या डिस्काउंट का वैल्यू चेंज कर दिया, तो मुझे फॉर्मूला चेंज नहीं करना है, मैंने सिर्फ सेल में जाके वैल्यू चेंज करनी है, फॉर्मूला सेम रहेगा, अपडेट हो जाएगा. रिजल्ट्स अपडेट होते हैं ना जब वैल्यू चेंज करते हैं, तो यहां भी अपडेशन हो जाएगी. रिलेटिव आप रेगुलरली रिलेटिव ही यूज कर रहे हो क्लास में, जशन लैब में आप सम करते हो A1 + B1 ड्रैग करते हो तो A2 + B2 होता है, A3 + B3 होता है, दैट इज रिलेटिव, दैट इज रिलेटिव, ठीक है? Absolute, where the cell address reference does not change when we copy the formula. Clear? Mixed. Now, what is mixed cell reference? In which either one column is fixed but row is relative, or row is fixed but column is relative. यहाँ पर आपका हर बार A5 रह रहा है. अगर मैंने लिखा $A5, now I copy the formula. A will remain same, 5 की जगह 6, 7, 8, 9 आ सकता है, ठीक है? अगर मैंने लिखा $A$5 will remain fixed, A will change. A की जगह B हो सकता है, C हो सकता है, D हो सकता है, but 5 will remain fixed. That is called mixed cell reference. Underline the definitions, examples आपको बुक में दी हुई हैं. ठीक है, ओके. नेक्स्ट पेज नंबर 239, पेज नंबर 239, एडिटिंग सेल कंटेंट्स. हाउ टू एडिट द सेल कंटेंट्स, बुक में चैप्टर में पढ़ो बेटा, नहीं तो आप अपनी तरफ से बना सकते हो. रिलेटिव मींस इन विच द सेल एड्रेस चेंजेस व्हेन वी कॉपी द फॉर्मूला. एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस इन विच सेल एड्रेस डज नॉट चेंज व्हेन वी कॉपी द फॉर्मूला. ठीक है, इन मिक्स्ड रेफरेंस ईदर वन कॉलम विल रिमेन फिक्स्ड एंड रो विल चेंज, और रो विल रिमेन फिक्स्ड एंड कॉलम विल चेंज व्हेन वी कॉपी द फॉर्मूला. ठीक है, लक्ष्य पीछे वाला एक फैन ऑफ कर दो. ओके, नेक्स्ट इज एडिटिंग. एडिटिंग मींस वन टाइप ऑफ एडिटिंग मींस फुली एडिट करना है, मुझे वैल्यू रिप्लेस करनी है. क्लिक ऑन द सेल, टाइप अ न्यू वैल्यू, द ओल्ड वैल्यू विल गेट रिप्लेस्ड. सेकेंड मेथड इज पार्शियल चेंज करना है. पार्शियल मींस कि मुझे पूरा वैल्यू रिप्लेस नहीं करनी है, बीच में स्पेलिंग चेंज करना है या नंबर डिजिट ऐड करना है या कोई एक डिजिट रिमूव करना है, पार्शियल चेंज करना है. आई वॉन्ट कर्सर इनसाइड द सेल, so that I can move the cursor and make some changes.
For that purpose, there are three methods. One, double click on cell. It will give us the cursor inside the cell. Second, press F2 key. Third, in formula bar. You can click on the formula bar and make changes. Click on the formula bar and make changes. Okay, selection humne kar liya hua hai. Selecting the range by pressing the shift key or by dragging the cells. Next is copying and paste, copying and moving. How many methods of copy? 4. I told you. Diya hua hai book mein, dekh lo. In the second point, copy means after selecting the source range, either click on copy button on standard toolbar, book mein underline kar lo. Copy button on standard toolbar, select copy command from edit menu. Third, you can click on right button, you can click the right button and display the shortcut menu and click on copy. That means click on copy option in shortcut menu. And fourth, control plus C, that is also given. Okay, clear hai yahan tak? कट के लिए भी सेम 4 मेथड्स, पेस्ट के लिए सेम 4 मेथड्स. जितना भी हो रहा है. नेक्स्ट इज पेज नंबर 243, इरेजिंग, क्लियरिंग रेंज एंड डिलीटिंग कॉलम. How to clear the range? How to clear the range? Select the cells. Press delete key. Delete ho jayega? No. Column, aapke paas ek dialog box aata hai. Aapke paas ek dialog box aata hai. Delete content dialog box. Or you can also open that dialog box by clicking on edit menu, delete content. Edit menu, delete content. Now, what are the various options in delete content dialog box? Better off. What are the various options in delete content dialog box? Notes, formats, objects. Mark them. Mark these options. Mark these options. What are the various options in delete content dialog box? Anji, online students, is it clear? Pass hai.